हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल स्पोर्ट्स 07। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का सीरीज कुछ ही घंटे बाद स्टार्ट होने वाला है। इस समय इंडिया का कॉन्फिडेंस बहुत ऊपर है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में जाकर ऑस्ट्रेलिया को हरा के आ रहा है इंडिया। तो हम सब यही उम्मीद रखूंगा कि इंडिया इंग्लैंड को आसानी से इस सीरीज में हरा देगा। तो चलिए आप सबको आज का टॉपिक बता देता हूँ मैं किस किस टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ। तो फर्स्ट टॉपिक है इंडिया की स्ट्रेंथ वीकनेस, सेकेंड टॉपिक है इंग्लैंड का स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, थर्ड टॉपिक है इंडिया की आइडियल प्लेइंग 11 क्या होनी चाहिए, फोर्थ टॉपिक है प्लानिंग या स्ट्रेटेजी, फिफ्थ टॉपिक है प्रेडिक्शन कौन टीम जीतने वाले हैं पहला टेस्ट मैच, और ऑन द लास्ट टॉपिक है फैंटेसी 11। मैं आप सबके लिए फैंटेसी का 11 बनाने वाले हूँ। तो गाइस, वीडियो को आप सब पूरा देखना, बहुत मज़ा आने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडिया की स्ट्रेंथ के ऊपर बात करूँ तो मुझे सबसे ज़्यादा बड़ा स्ट्रेंथ मुझे ये लगता है कि इंडिया के पास स्पिन डिपार्टमेंट जो है, रविचंद्रन अश्विन जो नाम है, ये बहुत बड़ा नाम है। इंडिया की जान है, शान है, इंडिया की वन ऑफ द बिगेस्ट मैच विनर है। उनके साथ है कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर। तो ये स्पिन डिपार्टमेंट इंडिया की बहुत मजबूत है। उनके बाद है टॉप ऑर्डर बैट्समैन, इंडिया की टॉप ऑर्डर बैट्समैन भी बहुत मजबूत है। रोहित शर्मा का इम्पैक्ट आप सब जानते हैं क्या है। उनके साथ टैलेंटेड बैट्समैन शुभमन गिल या चेतेश्वर पुजारा जो वन डाउन आने वाले है, वो तो इंडिया का द न्यू वॉल बन चुके हैं अब तो। और बैकअप पे है मयंक अग्रवाल, केएल राहुल। इंडिया का टॉप ऑर्डर भी बहुत मजबूत लग रहा है। तो इंडिया का थर्ड स्ट्रेंथ मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, आप जानते होंगे कि विराट कोहली मिडिल ऑर्डर पे खेलते हैं। तो विराट कोहली इंडिया के कैप्टन है, वाइस कैप्टन है रहाणे, उनके बाद आते हैं। तो उसके बाद ऋषभ पंत जो ऑस्ट्रेलिया में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देकर आ रहा है। तो इंडिया की मिडिल ऑर्डर भी बहुत मजबूत लग रहा है। तो उनके बाद लोअर मिडिल ऑर्डर पे अश्विन है, उनके साथ हार्दिक पांड्या हो सकता है या अक्षर पटेल हो सकता है या वाशिंगटन सुंदर, जिसको भी खिलाए। तो इंडिया की जो मिडिल ऑर्डर है वो मजबूत लग रहा है। उसके उनके बाद इंडिया की पेसर, पेस अटैक भी इंडिया के बहुत अच्छे हैं। जसप्रीत बुमराह है, उनके साथ ईशांत शर्मा होंगे। ऑस्ट्रेलिया में जाके मोहम्मद सिराज ने जो परफॉर्मेंस दिखाई है वो इस टीम में शामिल है। शार्दुल ठाकुर है। तो इंडिया का स्पेस डिपार्टमेंट भी ठीक ठाक है। तो इंडिया के वीकनेस की ओर बात करूँ तो इंडिया के पास ज़्यादा वीकनेस है ही नहीं, बहुत सब डिपार्टमेंट ठीक ठाक है। तो इंडिया के वीकनेस में बोलूँ तो ऋषभ पंत का कीपिंग थोड़ा सा इम्प्रूव और करना चाहिए, और उनके साथ इंडिया की फील्डिंग में जो कैचिंग है वो कैच सब लेना चाहिए इंडिया को। तो ये सब हो जाए तो इंडिया का टीम बहुत स्ट्रांग लग रही है। तो ये मेरा गई पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट में आता हूँ मैं, इंग्लैंड का स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। इंग्लैंड का स्ट्रेंथ मुझे लग रहा है कि उनका कैप्टन जो रूट, वही सबसे बड़ा उनका स्ट्रेंथ है। वो फॉर्म में है और मिडिल ऑर्डर पे जो रूट है, उनके साथ है बेन स्टोक्स एंड जस बटलर। इस तीनों के पास वो एबिलिटी है, वो कैपेबिलिटी है कि रन बनाए, मैच का मोड़ उनके तरफ ले जाए। तो इस टीम के ऊपर ही, इस तीनों प्लेयर के ऊपर ही उनका उस टीम का सारे दारोमदार रहेगा। तो ये उनका स्ट्रेंथ है। और सेकेंड स्ट्रेंथ में मुझे ये लगता है कि फेस अटैक, इंग्लैंड का पेस अटैक बहुत ही मजबूत है। जेम्स एंडरसन, जोफ्रा आर्चर, क्रिस वोक्स, स्टुअर्ट बॉर्ड, चारों मिलकर बहुत अच्छा बॉलिंग करने वाले हैं। लेकिन चारों के चारों एक साथ नहीं खेल सकते, दो या तीन खेलेंगे। लेकिन ये पेस अटैक का जो डिपार्टमेंट बहुत ही स्ट्रांग है। तो ये गई उनका स्ट्रेंथ। लेकिन वीकनेस भी है इस टीम के अंदर। मुझे लग रहा है कि स्पिन डिपार्टमेंट में बहुत बड़ा एक वीकनेस है उनका, क्योंकि उनके पास सिर्फ मोइन अली, टॉम बेज एंड जैक लीच, ये तीनों स्पिन है। लेकिन स्पिन डिपार्टमेंट के तीनों प्लेयर है, लेकिन उतना इफेक्टिव स्पिनर इन तीनों में किसी भी एक नहीं है। तो ये है उनका वीकनेस। सेकेंड वीकनेस है टॉप ऑर्डर बैट्समैन, जो ओपनिंग पे आते हैं जो बैट्समैन, वो उतना अच्छा मुझे नहीं लग रहा है। तो एक उनका एक वीकनेस मुझे लग रहा है। चलिए थर्ड पॉइंट के ऊपर बात कर लेता हूँ।
इंडिया की आइडियल प्लेइंग 11, इंडिया की प्लेइंग 11 क्या होनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से रोहित शर्मा के साथ शुभमन गिल, वन डाउन पे चेतेश्वर पुजारा, उसके बाद विराट कोहली, अजिंक्य रहाणे एंड ऋषभ पंत, ये छः हो गए इंडिया का बैट्समैन बैटिंग लाइनअप। उसके बाद जो पांच बॉलिंग का जो ऑप्शन है उसमें रविचंद्रन अश्विन का नाम होंगे, मेरे हिसाब से कुलदीप यादव हो सकती है, तो ये दो हो गई। और दो जो फेस है उसमें जसप्रीत बुमराह है, ईशांत शर्मा है, ये मेरे हिसाब से 10 प्लेयर फिक्स्ड खेलने वाले हैं। लेकिन जो एक स्लॉट है टीम में उसमें अक्षर पाटिल का भी नाम हो सकता है या फिर हार्दिक पांड्या का भी नाम हो सकते हैं। इस दोनों में से किसी एक प्लेयर मेरे हिसाब से खेलने वाले हैं इस टीम में। तो मेरा ये था आइडियल प्लेइंग 11 इंडिया की। तो मैं इंडिया का स्ट्रेटेजी या प्लानिंग के ऊपर बात करूँ तो मुझे लग रहा है कि जो टीम पहले टॉस जीतेगा उसी टीम ने पहले बैटिंग का फैसला लेगा, और यही होने वाले हैं क्योंकि चेन्नई में हमेशा स्पिन का ट्रैक होता है, तो फोर्थ एंड फिफ्थ डे में बॉल बहुत ज़्यादा घूमते हैं, तो किसी टीम नहीं चाहेगा कि मैं लास्ट बैटिंग करूं। तो मेरे हिसाब से जिस टीम ने पहले टॉस जीतेगा उसी टीम ने बैटिंग का फैसला लेगा। अब आ चुका है प्रेडिक्शन का टाइम। देखिए, ये इंडिया की होम कंडीशन पे खेल हो रहा है, तो हमेशा की तरह मैं यही बोलूँगा कि इंडिया ही ये मैच जीतने वाले हैं। तो मुझे लग रहा है कि 4 दिनों में ये टेस्ट मैच ख़त्म होने वाले हैं। चलिए फैंटेसी क्रिकेट का मैं टीम बना लेता हूँ। पहले विकेट कीपिंग स्लॉट के लिए मैं सिर्फ जस बॉलर को रखा हूँ, जस बॉलर का नाम रखा हूँ मैं। उनके बाद मैं बैटिंग का जो स्लॉट है उसमें मैं रोहित शर्मा का नाम रखा है, उनके साथ मैं विराट कोहली को रखा है, चेतेश्वर पुजारा को रखा है एंड जो रूट जो इंग्लैंड का कप्तान है उनको मैं रखा हूँ इस टीम के अंदर। तो मेरा 4 बैटिंग हो गई, 1 मेरा विकेट कीपिंग हो गई। तो ऑलराउंडर की जो स्लॉट है उसमें मैं बेन स्टोक्स को रखा हूँ, उनके साथ रविचंद्रन अश्विन को रखा हूँ मैं। ये मेरा टोटल 7 स्लॉट कंप्लीट हो चुके हैं। मेरा बॉलिंग में मैं 4 बॉलर को मैं रखा हूँ। मेरा फर्स्ट नेम है जेम्स एंडरसन को रखा हूँ मैं, जसप्रीत बुमराह को रखा हूँ मैं, कुलदीप यादव को रखा हूँ मैं एंड जैक लीच को मैंने रखा हूँ। इसमें से आप जेम्स एंडरसन या कुलदीप यादव किसी एक ना खेले तो आप उसी टीम का कोई एक प्लेयर, अगर क्रिस बॉक्स खेलती है तो क्रिस बॉक्स को रख सकते हैं या फिर मोइन अली को रख सकते हैं अगर खेलते हैं। तो ये आप जब टीम अनाउंस होंगे तब आप सब देख लेना। और इस टीम का मैं कैप्टन और वाइस कैप्टन बेन स्टोक्स को मैं वाइस कैप्टन बनाया हूँ और रविचंद्रन अश्विन को मैं कैप्टन बनाया है इस टीम के, क्योंकि मुझे पर्सनली लगता है कि रविचंद्रन अश्विन ने इस मैच में बहुत ही ज़्यादा विकेट लेने वाले हैं। तो गाइज, आप सबको क्या लग रहा है इंडिया का आइडियल प्लेइंग 11 क्या होनी चाहिए एंड इंडिया इस फर्स्ट टेस्ट मैच में जीतने वाले हैं, ड्रॉ होने वाले या फिर हारने वाले हैं? तो आप सब मुझे कमेंट करके जरूर जानिएगा। तो गाइज, आप सबको क्या करना है, कुछ नहीं, सिर्फ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए या फिर चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्रेस आइकॉन को भी जरूर दबा दीजिए। तो बाय बाय, टेक केयर गाइज़।